दो तीन जा। बस 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 तो मुझे पता है आप सभी जब लोग मच्छरों से परेशान हो गए बहुत ही ज्यादा, तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है खाली ये अपने मेन डोर पे है जो इंस्टॉल कर दो, ये लाइफ क्राफ्ट का मैग्नेटिक मॉस्किटो नेट डोर। और ये काम कैसे करता है ऐसे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फॉर एवर स्वेट। और आज हम लोग मच्छरों का एकमात्र सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे सीजन में मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और उसका एक ही सॉल्यूशन है कि गेट जो है अपना ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम लोग आर पार जा भी सकें और मच्छर एंटर ना कर सकें। तो उसके लिए मैंने मंगा लिया है लाइफ क्राफ्ट का मॉस्क्यूटो नेट जो कि मैग्नेटिक है। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, आइए जल्दी से। इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब आप ये मंगाते हैं तो आपको पहले ही अपने जो वो डोर है उसका साइज आपको मेजर कर लेना है, क्योंकि मैंने देखिए ध्यान से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है साइज 200 बाई 120 सेंटीमीटर। तो ये पहले ही मैंने अपने जो गेट का साइज है वो मेजर कर लिया था, क्योंकि अगर बड़ा या छोटा रहेगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो बॉक्स के साथ आपको मिल जाता है ये दो पुस्तकें, और ये है अपना मेन चीज़ 200 बाई 120 सेंटीमीटर का लाइफ क्राफ्ट का मॉस्किटो नेट। तो इसमें आपको मिल जाता है एक 200 बाई 120 सेंटीमीटर का हर बार लिखा है एक नेट, और एक मैनुअल मिल जाता है आपको कैसे ये चीज़ लगानी है। ये मैं आपको बता दूंगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और पीछे डूज और डोंट डूज दिए हैं कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, मैं वो आपको सब बता दूंगा। पहले कंटेंट्स देख लेते हैं। इसके साथ आपको मिलता है ये स्टिकी टेप, ये इसका कैसे यूज़ करना है ये भी बताऊंगा, और कौन सा वाला कहाँ पे लगेगा ये भी बता दूंगा। और अगर आप वुडन डोर यूज़ करते हैं तो वुडन डोर के लिए आपके पास ये एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, स्ट्रेंथ के लिए ये आपको पिंस मिल जाते हैं, ये आप उनमें ठोक सकते हैं। लेकिन आपका अगर मेटल डोर है, अगर आप इसे मेटल डोर में यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इस पे ये इसमें वेलक्रो दिया होता है, उस टेप को इस वेलक्रो से लगा के आप चिपका सकते हैं। तो चलिए इसको अब लगाते हैं डायरेक्टली अपने गेट पे और इसकी वर्किंग को समझते हैं और इसे कैसे लगाना है परफेक्टली ये भी आपको बताते हैं। तो ये जो नेट है ना, ये नेट आपका पॉलिएस्टर का बना है 60 GSM पर। तो ये आपकी जो ठंडी हवा आती है बाहर की फ्रेश एयर, उसको तो अंदर आ जाने देता है, लेकिन जो मच्छर और इंसेक्ट्स हैं आपको वो अंदर नहीं आ पाएंगे। तो आपको मॉस्किटो बॉर्न डिजीज जो होती हैं वो आप उनसे बच जाएंगे, और इंसेक्ट्स जो जैसे लाइट से अट्रैक्टेड होते हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये अपर पार्ट ऑफ द नेट है, जो इस पे लाइफ क्राफ्ट लिखा है यहाँ पे, ये साइड जो है आपकी ऊपर रहेगी ऐसे। और आप नोटिस कर रहे हो कि ये साइड जो है ऊपर वाली वो थिकर साइड है और ये साइड में जो है ये थिनर साइड है। तो अब आपको टेप का यूज़ बताता हूँ कि ये कैसे यूज़ करना है। ये दिख रहा होगा ये ब्लैक पार्ट, ये वेलक्रो है, और वेलक्रो से अटैच होने के लिए इसमें आपको एक ये दिया गया है मोटा वाला और एक पतला टेप, दोनों दिए गए। तो जो मोटा टेप है वो थिकर साइड पे यूज होगा, यानी कि टॉप ऑफ द नेट पे यहाँ पे। तो आपको पहले इसको ग्राउंड पे रख लेना है प्रॉपरली ऐसे करके, और इसको छुटा के अंदर इसके वेलक्रो से चिपकने वाला चीज़ है तो वो आपको ऐसे चिपका लेना है इससे। फिर वाइट पार्ट जो है इसका वो ऊपर रहेगा नेट के, और ये पतला वाला जो है वो आपको साइड से पूरा चिपका लेना है, और जो एक्स्ट्रा हो वो काट दीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो ये पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है, अब चलिए आपको दिखाते हैं कि ये इंस्टॉल कैसे होगा। पहले तो लोअर पार्ट ऑफ द नेट ज़मीन पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने परफेक्ट साइज का मंगाया तो वो ज़मीन पे नहीं रखेगा, अगर ज़मीन पे रख जाता है तो वो मैग्नेट्स जो है वो क्लोज नहीं हो पाएंगे। दूसरा आपको इंश्योर करना है कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है इस चीज़ को, नहीं तो मैग्नेट्स एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे। और ऑटोमेटिक क्लोजर जो गेट अपने आप बंद होता है, उसके लिए आपको इंश्योर करना है कि जो टॉप ऑफ द नेट है, सेंटर ऑफ द नेट,
वो थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर रहेगा बाकी के नेट से। तो ये जैसे कि आपको दिख रहा है मेरे घर का मेन एंट्रेंस है, यानी कि अगर मच्छर घुसेगा तो यहीं से घुसेगा। अगर मैं इस गेट को क्लोज कर लेता हूँ या ये नेट जो है मैं लगा देता हूँ तो मच्छर को अंदर जाने का चांस ही नहीं बचता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो टिप वाला साइड है पूरा वाइट पील को ऑफ करके अपने गेट पे लगा दिया है, क्योंकि ये परफेक्ट मेजर था एकदम, हमने मंगाया था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, वो आगे चल के देख लेंगे हम लोग की कितना करता है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं मेटल फ्रेम है मेरा, तो मैं इसमें वो तो कील तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन टेप मैंने जो है लगा दिया है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस टेप की। तो अब आइए इसमें इंस्टॉल करते हैं नेट। और ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको एक जो परफेक्ट सेंटर है गेट का वो मार्क लगा लेना है, सेंटर पार्ट जो है वो आपने पहले ही यहाँ पर मार्क लगा लिया है, उससे थोड़ा थोड़ा सा ऊपर लगाना है इसको, जो सबसे ऊपर हो सके उतना ऊपर, पहले मैंने इसको लगा लिया है। अब बाकी के पार्ट को आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाना है, जो ये वाला पार्ट है अपना वो ऊपर बना रहे, ये मेक श्योर करें कि जो आपका बाकी का पार्ट है जो बीच के पार्ट से है थोड़ा सा नीचे रहे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने सेंटर वाला पार्ट है जो स्लाइटली हायर कर रखा है बाकी के पार्ट से, और साइड वाले अब टेप को आप आराम से चिपका सकते हैं स्वेल करो से। और ये काम कैसे करता है, ऐसे आप आओगे आप जाओगे ये खुद ही बंद हो जाएगा, बहुत इजी वर्किंग है इसकी। बस थोड़ा सा मैंने साइज में बड़ा मंगा दिया इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बाकी ये बिल्कुल सही है। वर्किंग आपको दिखा देता हूँ बार बार जाके, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ऐसे आइए जाइए, वो गेट जो है अपने आप बंद हो जाएगा, ऐसे आइए बस निकल जाइए। आपके पीछे भी अगर कोई मच्छर सुपारी लेके पड़ा होगा वो भी नहीं घुस पाया, क्योंकि मैं निकल के आऊँगा और पीछे गेट बंद हो जाएगा। तो मच्छरों को तो आना अब मेरे घर में मना है, मैंने इंस्टॉल कर लिया है लाइफ क्राफ्ट्स का मॉस्क्यूटो नेट डोर जो कि मैग्नेटिकली वर्क करता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये जो नेट है वो पेट फ्रेंडली है और किड्स फ्रेंडली भी है, लेकिन मच्छर फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं, जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा है कि मच्छरों को और मक्खियों को तो दूर रखता है लेकिन आपके बच्चों को और आपके पेट्स को ये इजीली अलाउ कर देता है, क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा कि मेरा प्यारा कालू उड़ते हुए यहाँ से निकल गया और नेट बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ, और आपका जो एयर फ्लो है फ्रेश एयर वो आराम से चली जाती है क्योंकि ये पॉलिएस्टर का बना हुआ है। और बाकी सेल्फ इंस्टॉलेशन आपको मैंने दिखा दिया है, आपको इसके लिए किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं, 5 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाता है आपके किसी भी गेट पे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसकी वेलक्रो जो है बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, और जो टेप की क्वालिटी दी गई है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो हाथ से अगर एक बार चिपका दो तो छूटती भी नहीं। और इसके साथ ही साथ आपको विजिबिलिटी दिख रही होगी इसमें, मेरे जस्ट पीछे अगर कोई खड़ा हुआ तो साफ साफ आर पार दिखेगा, अभी अंदर अंधेरा है तो नहीं दिखेगा, अगर दोनों साइड पे लाइट होगी तो आपको बहुत बढ़िया विजिबिलिटी इसमें देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि ये तुरंत के तुरंत बंद हो जाएगा, जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ ये मेरे पीछे पीछे तुरंत बंद हो जाएगा, अगर मैं बाहर निकलता हूँ तुरंत ही खोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो ऐसे खुल जाएगा और मैं हाथ हटा लूँगी तुरंत ही बंद हो जाएगा। तो अगर आपको घर के लिए मच्छरों के लिए सॉल्यूशन चाहिए तो ये एकमात्र सॉल्यूशन है और इजी और सरल है। और इसका प्राइस अगर मैं आपको बता दूं तो इसका प्राइस चेंज नहीं होता है, वो साइज के हिसाब से सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। तो 200x120 मेरा साइज था गेट का, उसका प्राइस पड़ा है मुझे 800 रुपये के साथ, 819 टू भी एग्जैक्ट। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मच्छरों की